नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से 389 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है एक खूबसूरत गांव लोंगवा। इंडिया के ईस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा ये छोटा सा गांव अपने आप में अनोखा है। इस गांव के बीचों बीच पास होता है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। और ओएमजी बात यह है कि ये बॉर्डर ने इस विलेज को डिवाइड नहीं किया बल्कि लोगों को दे दी है दो दो देशों की नेशनैलिटीज। जी हाँ गाइज, इस गांव के लोग इंडियन सिटीजन तो हैं ही, साथ ही साथ इनके पास म्यांमार की सिटीजनशिप भी है। ओएमजी 1970-71 इस लगभग इसमें मतलब बॉर्डर यहाँ लगा रहा, इससे ही इंडिया और म्यांमार वही अलग हो गया। लोंगवा एक इंडिया में है, एक बर्मा में है, पर लोंगवा सिर्फ एक ही लोंगवा है। पॉपुलेशन की बात करें तो लोंगवा गांव मौन डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है एंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यहां टोटल 732 फैमिलीज के 5132 लोग रहते हैं। इस गांव के लोग कोनियक नागा ट्राइब के हैं जो नागालैंड की 16 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब में से सबसे बड़ी ट्राइब है। किसी जमाने में कोनियक नागा ट्राइब हेड हंटिंग के लिए मशहूर थी। दुश्मन को युद्ध में हराने के बाद इनाम के तौर पर उसका सर काटकर लाना इस ट्राइब का नियम था। इस ट्राइब के मुखिया जिन्हें अंग कहते हैं उन्हें कोनियक नागा के किंग का दर्जा दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर लाइन ये किंग के घर से गुजरती है। जी हाँ, घर के बीचों बीच, यानी घर का एक हिस्सा इंडिया में है और दूसरा हिस्सा म्यांमार में। यहाँ तो स्लीपिंग इन इंडिया एंड ईटिंग इन म्यांमार वाला केस है बॉस। भाई किंग है तो इनकी अपनी शान तो होगी। कोनिक ट्राइब के अंग का राज 75 गांव पर है जिनमें से कुछ गांव म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। अपने ट्राइब की कोई जरूरत या मांग हो अंग ही सरकार के सामने रखते हैं। और इनके इनिशिएटिव से ही लोंगवा विलेज और इस ट्राइब का काफी डेवलपमेंट भी हुआ है। पहले जो है मतलब राजा के रूल के हिसाब से हम लोग बहुत ही डिफरेंस था। सरकार की ओर से डेवलपमेंट है, पहले जो मतलब क्या होता है सिर्फ खेती करता था। विकास मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कोई टीचर है, कोई बिजनेस है, जॉब्स और दूसरे काम करने के लिए यहाँ के लोग दोनों देशों में जाते हैं। हमारा नाम भगवाना राम मुड़सरा है। हम यहाँ गोंगवा में दुकान है, यहाँ बर्मा साइड में। हमारा भाई का ये साइड में दुकान है, हम दुकान कर रखा है किराना का। यहाँ बर्मा को भी माल देता है, लोंगवा को भी माल देता है। जहाँ तक भाषा की बात है तो लोंगवा के कोनियक नागा थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं, पर बेसिकली यहाँ के लोग तिब्बतन बर्मीज भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। बाउंड्रीज, नेशनैलिटी, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। दिल तो प्यार से मेलजोल के साथ रहना चाहता है। ऐसा ही दिल लोंगवा के लोगों का है जो दो देशों के बीच रहकर भी किसी सीमा की पाबंदी में नहीं है। लोंगवा गांव एक खूबसूरत एग्जाम्पल है बिना सरहदों के जिंदगी जीने का, जिसके एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ है म्यांमार।